नमो नारायण जी। सेवन हॉर्सेस, सात घोड़े, व्हाइट कलर के घोड़े, ब्लैक कलर का घोड़ा कौन सा लगाना चाहिए और उसका क्या मतलब है? दोस्तों, जो व्हाइट कलर के घोड़े होते हैं वो आपकी जिंदगी में नए रास्ते खोलते हैं, नई आपकी अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोलते हैं। जो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही होती उसको लेके आने के लिए व्हाइट हॉर्स जो सात घोड़े हैं सूर्य भगवान के होते हैं। बेसिकली आप 12 घोड़े की भी फोटो लगा सकते हैं, सात घोड़े की भी लगा सकते हैं। सात घोड़े की अगर व्हाइट कलर की अगर आपके पास सीनरी है, आप उसे पूर्व वाली दीवार पे, ईस्ट वॉल पे लगाएं या नॉर्थ वॉल पे लगाएं, इससे आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली आएगी। अगर आपको मनी से रिलेटेड आपको चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा कैश फ्लो चाहिए, पूरा फास्ट चाहिए, तो नॉर्थ के अंदर ब्लू बैकग्राउंड वाले, जिस बैकग्राउंड में ब्लू कलर हो, ऐसी ब्लू सीनरी जिसमें व्हाइट कलर के हॉर्सेज हो और ब्लू कलर की जिसका बैकग्राउंड हो, वो नॉर्थ में लगा दो, तो आपका कभी भी जिंदगी में कैश क्रंच नहीं रहेगा। अगर आपके अंदर आलस ज्यादा है और आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप कैश नहीं कर पा रहे, तो आप इसके लिए काम और कर सकते हैं। आप साउथ वॉल के ऊपर गोल्डन फ्रेम के अंदर आप सात घोड़े की फोटो लगा दो गोल्डन फ्रेम में, और देखो आप कमाल क्या मजा आएगा आपको। पश्चिम के अंदर अगर आपने घोड़े लगाने हैं तो उसका भी एक कलर है स्पेसिफिक, जैसे ग्रे कलर जो रहेगा ना, ग्रे कलर में आप वेस्ट साइड के अंदर सात घोड़े की फोटो लगाते हैं, उससे क्या होगा, जो बिजनेस के अंदर बार बार अप एंड डाउन आता है उसका लेवल एक फ्लो में चल पड़ेगा काम। कभी कभी होता है कि दुकान पे 100 रुपए की आपकी कमाई हो, कभी कभी होता है कि 500 की हो रही है, कभी लाख रुपए की हो रही है, कभी 10 लाख की हो रही है, अप एंड डाउन जो ये सिस्टम है इसको मैनेज करने के लिए वेस्ट के अंदर आप घोड़े की फोटो लगाइए ग्रे कलर के अंदर, जिसका बैकग्राउंड ग्रे रहे, और फिर देखो आप कमाल। नमो नारायण जी।